अस्सलामुअलैकुम गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज है संडे का दिन और हम लोग सोच रहे हैं कि जाके थोड़ी सी शॉपिंग कर लें। आजकल इतनी गर्मी हो रही है ना, तो इसलिए मुंह पे पसीने पसीने हुए हैं। पिछले दिनों इतनी बारिशें थी कि ना, उसके बाद से अब ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ गई है। तो अभी बज रहे हैं 3 और हमें अब दिल किया कि हम लोग बाहर जाएं। परफेक्ट टाइम है 3 बजे बाहर जाने का। बाहर निकलने से पहले हमने कहा जरा दूध बोतल ठंडी बर्फ वाली बना के पिए। उर्वा को तैयार कराया, उर्वा ने अपने सर पे कान लगाए हुए हैं बनी वाले, वैसी रैबिट लगती है उर्वा। और पीछे से मौरी दिखाओ, ये उर्वा का हेयर स्टाइल है। और मैंने भी तेल शेल लगाया हुआ क्योंकि संडे बना रहे हैं, तो स्कूल से बैठे हुए थे, तेल शेल लगाया हुआ, इसलिए मैंने छुट्टियाँ बनाई हुई है। और ये खड़े हुए जाहिद। हेलो जाहिद, गर्मी लग रही है। यहाँ 32 डिग्री में हम मारे हैं, तो सोचो 42 डिग्री में तो हालत ही बनी हुई होगी पाकिस्तान में ना। गर्मी बहुत हो रही है, दूध बोतल भी जो है ना असर नहीं कर रहा। हमने घर में सर्कुलेटर भी लगाए हुए हैं। तो सैटरडे का दिन इस तरह से गुजरा था कि यहाँ सफाई वगैरह की थी, अभी फिर वही हशर नशर हो जाता है। इसके अलावा उर्वा का रूम जो है ना, ये दोबारा से सेट किया था, इसने इतना गंद मचाया हुआ था, अभी भी ये गंद है जो समेटना है। लेकिन ये पार्ट है जो साफ हो गया, इसकी अलमारियाँ साफ की है, मैं दिखाती हूँ। ये डोनेशन वाले कपड़े पड़े हैं। ये अलमारी उर्वा की ना देखने वाली नहीं थी, ये आज मैं इतना प्राउड फील कर रही हूँ ये अलमारी इसके सेट करने के बाद। ये इसके घर वाले कपड़े हैं और ये इसके बाहर के कपड़े हैं। ये इसके मास्क हैं, टॉवल्स हैं, वाटर ट्यूब्स हैं, सर्दियों वाले कुछ कपड़े हैं जो सितंबर अक्टूबर में पहने जाएंगे। और ये जो है ना, ये डेली पहनने वाले कपड़े हैं इस मौसम के। और ये उर्वा का बैग और जैकेट वगैरह, कुछ खाने पीने का सामान। आई एम फीलिंग सो प्राउड कि ये साफ हो गई है। ये उर्वा की सॉक्स। उर्वा का बेड जो है ना इतना फुल भरा हुआ था कचरे से, वो भी समेटा है, ये पार्ट भी समेटा है। तो मेरा सैटरडे जो है ना इन्हीं कामों में गुजरा, इनको सॉर्टिंग करते करते हुए। और ये लाउंज जितनी दफ़ा साफ करना, कोई सफाई इसकी रहती नहीं है क्योंकि उर्वा ने फिर खेलना होता है, सारा सामान लेके बाहर आ जाती है। तो हम इसको यहाँ पे एज इट इज छोड़ देते हैं, समझ लेते हैं कि ये सफाई है हमारी। तो की ने कैरेट खानी है, कैरेट खा लो, कैरेट खा लो। चलो अब हम लोग निकलते हैं, चल के शॉपिंग करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस फाइनली हम लोग निकल रहे हैं इस कड़कती धूप में, और साथ में कॉफ़ी और योगर्ट भी उठा लिए ठंडी ठंडी, ताकि गर्मी लगे तो फिर हम वो पी सकें। बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन फिर ये है कि शाम को खाना वाना खाना होता है और काम करने होते हैं ना, फिर दिल नहीं करता निकलने को। और यही टाइम है हमारा कुछ काम शाम करने का भी। अच्छा गाइस, जाहिद हमें यहाँ पे उतार के ना गाड़ी को पार्किंग करने गए हैं, ये उर्वा खड़ी हुई है। और हम लोगों ने यहाँ शॉपिंग के लिए जाना, सबसे पहले जाएंगे इस डाइसो। सडनली बाहर आए हैं तो मौसम अच्छा हो गया, एकदम से क्लाउड्स आ गए हैं। उर्वा जो है ना रैबिट बनी हुई है छोटा सा। उर्वा आते साथ ही अपनी शॉपिंग स्टार्ट हो गई है। ओके, यहाँ पे रूल है कि बाहर तो आप मास्क के बगैर फिर सकते हैं, लेकिन अंदर जो शॉप्स है ना उसमें मास्क लगा के आना है। उर्वा ने अपनी स्केटल्स की भी शॉपिंग की है, ये देखो जी आते साथ हमारे पास क्या चीज़ें शॉपिंग में हुई हुई हैं। कहती है बस एक ले दो, उसके बाद मैं और कोई चीज़ नहीं लूँगी। फिर आगे जाके कहती है एक चीज़ ले दो, उसके बाद मैं और कोई चीज़ नहीं लूँगी। 3 चीज़ें हो गई हैं। उर्वा आए और ये ना करे, हो नहीं सकता। सबसे पहले तो हम लोगों ने वॉशरूम के सफाई वाले रगड़ने वाले ब्रश लेने हैं, और ये मैं देखती फिर रही हूँ और ये उर्वा फिर रही है। गुहा जंक्शन में रखने से क्या होगा? ओके, ना इसका काम ना काज, ऐसे सफाइयाँ करनी होती है। कह रही है ये वाला ब्रश खरीद लो, ये वाला खरीद लो, ज़्यादा साफ करेगा, ज़्यादा अच्छा सा करेगा। और ये ब्रश उर्वा ने शॉपिंग करवाई है, ये देखो जी उठा के इसने ये भी रख दिया इसमें। गाइस ये देखे यहाँ पे ना बेलना वगैरह भी मिल जाता है अब डाइसो में, ये वो वाला बेलना और ये रोलिंग पिन, तो ऑलमोस्ट हर चीज़ मिल जाती है। ये बेकिंग के सेक्शन में पड़ा हुआ सारा सामान, और चिमटे कांटे हमारे जो सामान होता है पाकिस्तान से, हम लोग डोइयाँ चमचे लेते हैं ना, वो भी सब यहाँ पे आराम से मिल जाता है। इसके अलावा घर के लिए जैसे बॉक्स वगैरह होते हैं, कंटेनर्स वगैरह, और मैं सोच रही थी कुछ कंटेनर्स ले लूँ एक्स्ट्रा, क्योंकि फ्रिज में सारा सामान ना कढ़ाइयों में रखा नहीं जाता, तो मैं डिफरेंट साइज़ में ले लूँगी। 3 डब्बे ले लिए, 6001 के एक बड़ा, 2 छोटे डब्बे, तो बस ये फ़िलहाल काफ़ी हैं। बाथरूम के लिए एक डब्बा चाहिए, और मसला यह है यहाँ पर जो डब्बे हैं ना सिर्फ शावर वाले डब्बे हैं, तो एक ये डब्बा मिला मुझे, ये भी वॉशरूम के सेक्शन में पड़ा हुआ है, ऐसे लग रहा है मयरिंग कप हो, लेकिन ये भी वॉशरूम का डब्बा है। तो ये शॉपिंग हो गई है हमारी डब्बे की, तब हम चलते हैं चेकआउट करते हैं। कुछ और भी किचन वगैरह का सामान लेना था, लेकिन ये डाइसो ज़रा छोटा है ना, यहाँ पे इतनी चीज़ें हैं नहीं, बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में है सब चीज़ें, बस फिलहाल जो मिला है सो लिया है। अच्छा गाइज ये बिल्लियों की यहाँ पे ना ट्रीट्स हैं, तो मैं सोच रही हूँ बिल्लियों को अपनी सैटरडे संडे की आज एक ट्रीट खिलाते हैं, ये ले लेते हैं। डाइसो पे ना ये सेल्फ चेक इन डिवाइस लगी हुई है, और ये इंग्लिश में भी हैं, आप अपनी चॉइस से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने शॉपिंग कर ली है, और ये सारा सामान है जो मैंने शॉपर में कर लिया है। यहाँ पर डिफरेंट साइज़ के शॉपर्स पड़े होते हैं, आप चूज़ कर लें कौन सा लेना है। चलो अब हम शॉपिंग करके चलते हैं। तो शॉपिंग हो गई है,
खास शॉपिंग ज़्यादा नहीं हुई क्योंकि यहाँ इतना कोई सामान के ऑप्शंस भी नहीं थे, और जाहिद ना उर्वा को लेके लोटे सुपर चले गए हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उतावली हो रही थी अपने लिए, उसने कोई खनशिक स्नैक्स वगैरह लेने थे, तो बस ये रोड क्रॉस करके चलना है पीछे, तो रोड क्रॉस करने का मैं वेट कर रही हूँ। ओके गाइस, तो वॉक करके मैं आ गई हूँ लोटे सुपर, यहाँ जाहिद और उर्वा शॉपिंग कर रहे हैं, चल के देखते हैं इनको अंदर। अभी मैं चेक कर रही थी कि इंडिया में भी कुछ स्टेट्स में जो है ना 34 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, तो ऑलमोस्ट सेम ही है इंडिया और कोरिया का टेम्परेचर इस वक्त। वो फिर रहे सामने उर्वा और जाहिद इसमें क्यों बैठी हुई है खर अप्पा सो मार सकते। आजकल तरबूज का सीज़न है तो तरबूज की कीमत है 16,900। इसके अलावा खरबूजे तो बहुत मिलते हैं, आम नहीं मिलते हैं यहाँ पे। मैं आम का जिक्र करी थी तो सामने ही आम नज़र आ गए हैं। आमों की कीमत है 6,990 और इसमें एक है, ये इसका साइज़ है, एक हाथ इतना है। ये जो छोटे साइज़ के आम पड़े ना, ये तीन आम है 9,900 के। तो जी दो आम मैंने ले लिए हैं अपनी पूरी जायदाद बेच के मतलब इतने महंगे आम है, बंदा अगली दफ़ा लेने से पहले सोचे किडनी का सौदा करूं या गुर्दे का सौदा करके आऊं। फ्रूट्स अच्छे भी लगते हैं यार, अब इतने सालों से पाकिस्तान गए नहीं और गर्मियों में तो बिल्कुल भी चक्कर नहीं लग सकता, तो आम हमेशा ही रह जाते हैं हमारे ना। और हम लोगों ने लेने हैं अंडे, और हम लोग 30 ही ले लेते हैं क्योंकि हमारा यूज़ हो जाते हैं, तो एक अंडे का उठा लेते हैं पैकेट। तो अब चलते हैं, देखते हैं और क्या रहता है। बाकी ब्रेड वगैरह लेनी है, इस तरह की सामान है बस जो हमारा बेसिक होता है। ये देखो जी, उर्वा ने इतने सारे जूस लिए हैं, योगर्ट लिए है, मछली ली है बैठी हुई है। हम लोग ज़्यादातर यहाँ से तो बस जूस, ब्रेड, अंडे वगैरह लेने आते हैं, दही वगैरह। तो बस अब जो है ना ब्रेड लेनी रह गई है, ब्रेड लेते हैं। ये जी केचप लिया है, जूस लिया है, मछली ली है, ये जूस लिया है, मैंगो जूस लिया है इको तो सस्सो। ये जी ट्यूना फिश है, इसके राइस वगैरह बनते हैं, मज़े के लगते हैं। अच्छा जी यहाँ पे मॉर्निंग टोस्ट ब्रेड तो है नहीं, तो इस सेल में एक ब्रेड मिल रही है, तो हम सोच रहे हैं कि ये ले लें। ये है 1870 वन की, तो एक ये ले लेते हैं। तो आप बहुत जिद करिए कि मैंने चिप्स लेने हैं कुछ सेल आई हुई है कि अगर 1+1+1+1 लें तो ये 2600 के हैं, और सिंगल जो है ना वो 1300 का है, तो चलो ये ले लेते हैं। वाह चिंचा माना ये लोग। ओके गाइस, तो हम लोगों की शॉपिंग कंप्लीट हो गई क्योंकि उर्वा का शोर शुरू हो गया। हम लोगों को बस ऐसे लिमिटेड टाइम में शॉपिंग करनी होती है क्योंकि उर्वा जो है ना फिर उसकी टांगें दर्द होना शुरू हो जाती हैं, कभी बैठ बैठ के थक जाती है। चीज़ों को चेकआउट वगैरह करते हैं, उर्वा भी हेल्प करना चाह रही है। इतनी हैवी है उर्वा, कैसे हेल्प करोगे? वाह वेरी गुड, वेरी गो ये फ़ायदा है इसको साथ लाने का चीज़ें लगा के फेंकती है, फेंकती ज़्यादा हेल्प कम करती है। अच्छा गाइस, जाहिद ने उर्वा के लिए उदुंग शाह रामियन भी लिए थे और ये सीजनिंग भी ली थी जो मैं वीडियो नहीं बना सकी। तो अब हम लोग जो है ना सामान पैक करते हैं, सारा सामान आ गया शॉपर में, बाकी गाड़ी में जाके रखते हैं। उर्वा को यहीं पे खड़ा करके चले जाते हैं हम। ओके जी, हम लोगों की शॉपिंग हो गई है और उर्वा को आते साथ ही भूख और प्यास लग गई है, इसको योगर्ट खोल के दिए, स्किटल्स खा रही है बैठी हुई अपनी, और गर्मी से बुरा हाल है हमारा भी, 34 डिग्री है लेकिन सलाम करते हैं जो लोग 52 डिग्री में 42 डिग्री में बैठे हैं पाकिस्तान, और ऊपर से लाइट चली जाती है। ओके गाइस, हम लोगों की पार्किंग 1 घंटा और 2 मिनट थी, तो हमें ऊपर के 2 मिनट के पैसे पूरे 1 घंटे के देने पड़ रहे हैं क्या इसे कहते हैं लक, बैड लक। अच्छा जी, हम लोग लेने जा रहे हैं आइसक्रीम उर्वा की आइसक्रीम शॉप से, उर्वा की भरपूर फरमाइश पे, और ये है जी आइसक्रीम शॉप, उसके अंदर बहुत सारी आइसक्रीम्स होती हैं हर स्टाइल की, हर फ्लेवर की। लेट्स गो इनसाइड, बास्केट उठा लेते हैं सबसे पहले हम, और फिर हम शॉपिंग स्टार्ट करते हैं। अजय उर्वा, उर्वा ने क्या लेना है? आइसक्रीम जोंगेसा, कौन सी आइसक्रीम लेनी है? अच्छा जी, आते साथ ही उर्वा ने जो है ना अपनी बास्केट आधी तो फुल कर लिया है, काफ़ी सारे फ्लेवर इसने ले लिए हैं, तो अब हम देखते हैं आगे से भी कुछ चल के। चल भाई उर्वा आगे चल। ओके ये देखो, प्रो है, प्रो आइसक्रीम की शॉपिंग में छोटा सा कद है, फ्रिज तक पूरी आती है, लेकिन फिर भी देखो डांस हो रहे हैं साथ साथ कौन सी लेनी है मम्मा को बताओ, मम्मा उठा लें। सोम सत्संग इसको नाम भी आते हैं, ये देखो सोम सत्संग वाली लेनी है, और ये कौन सी है? फ्रूट्स वाली। ओके ये देखो जी, ओके तुरा खा दो थे कॉइन से थकी भी है इधर, इसकी शॉपिंग चेक करो ज़रा। अब मैं साइड पर खड़ी रहूँगी, अपनी खुद ही शॉपिंग करेगी और ठुमके भी मारेगी साथ साथ ये लो चीज। ना 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 ना, ये नहीं लेना, ये ले लो। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, ये चीज़ स्टिक्स हैं और इसमें ना कोई हराम कोई चीज़ डली हुई नहीं है, हमने देखा था, तो ये भी उर्वा शौक से खाती है।
ये इन जेलियों को देखती है लेकिन ये ले नहीं सकते, इनमें सब में जो है ना पोर्क डाला हुआ होता है जिलेटिन। इन आइसक्रीम्स का जो है ना अब चेकआउट करते हैं, यहाँ से सेल्फ चेक इन है और यहाँ पे कोई वो भी नहीं होता फन में जा, स्टाफ कोई नहीं होता। और ये जायद कुकीज लेकर आए हैं अपने लिए। ओके जी, हम लोगों ने सारी ये शॉपिंग कर ली, अब जल्दी यहाँ से निकलते हैं। ओके जी, शॉपिंग वगैरह हो गई है हमारी और जो है ना अब हम जल्दी से जाते हैं क्योंकि हमारी आइसक्रीमें पिघल जाएंगी सारी। यहाँ पे गाइस कॉइन से थकी है, यानी कि कॉइन वॉश है, 24 आवर्स ओपन होता है। ये हमारे घर का इलाका है सारा ना। आइसक्रीमें हम इसलिए ले लेते हैं कि रोज़ रोज़ तो आया नहीं जाता, फिर ऑफिस होता है, टाइमिंग ऐसी नहीं होती है। और उर्वा को गर्मी लगती है, एक आइसक्रीम जो है ना रोज़ की खाती है, तो इस वजह से हम लोग जो है ना 1 करोड़ आइसक्रीम्स ले लेते हैं फिर पूरा महीना चलती रहती हैं। इतना सुकून आ रहा है ठंडी ठंडी गोद में रख के। ये जी हमारा घर, एक स्ट्रीट पीछे बस शॉपिंग करने गए थे हम लोग। उर्वा को जो चीज़ अच्छी लगती है फिर हमें भी खिलाती है, बहुत माशिस्सा है। ओके गाइस, सबसे पहले तो हम जो है ना ये आइसक्रीम उठा के सारी की सारी फ्रीजर में रखते हैं, ये स्किटर्स खाने में लगी हुई है लड़की। तो हो गई शॉपिंग हमारी जल्दी से, 5 मिनट वाली, 5-5 मिनट में सारी जगह से जाके शॉपिंग करके आ गए। तो जाहिर जो है ना बाकी सारा सामान भी उठा के ले आए हैं, सारा समेटते हैं, फ्रिज वाला सामान फ्रिज में जाएगा। और सुम देख रही है क्या लाए हैं हम, अरे शॉपर को चेक करती है ये। उर्वा तो बहुत हैप्पी है, उर्वा ने चिप्स भी लिए हैं, स्किटल्स भी लिए हैं, आइसक्रीमें भी लिए हैं, कितनी हैप्पी है उर्वा। उर्वा हाउ मच हैप्पी यू आर, मुँह भरा हुआ ना स्किटल्स का, बोल नहीं सकती। आसेंगा का अच्छा सोच रही है, कहती मैं सोच रही हूँ कितनी खुश हूँ, कितनी खुश है जल्दी बता दे। अच्छा कितनी, जितना बड़ा हमारा घर है ना उतनी खुशी हो रही हूँ मुझे। और इसका काम तो बताओ, ये आपने जो लिया इसका क्या सीन है? अब उर्वा जो है ना बबल्स बना के दिखाएगी इससे। okay. वो साथ ही स्किटल्स वाली रालें भी निकल रही होंगी इसके मुंह से फू करते हुए। अच्छा जी, ये हम अपना साइंस लैब का एक्सपेरिमेंट वाला डब्बा वॉशरूम में रखते हैं और जायद की स्टाइलिंग जेल भी वॉशरूम में रखते हैं। स्टाइलिंग जेल, पहले बाल रह गए हैं कुछ, जोर ले ली। बाल बहुत ज्यादा उठे उठे दिखाने तो जायद की स्टाइलिंग जेल वॉशरूम में जाके रखते हैं। ये आ गई यहाँ पे और ये आ गया हमारा साइंस एक्सपेरिमेंट का डब्बा। वैसे तो मैंने कभी वो दिया नहीं अभी हाउस टूर, तो ये सारा सामान हमने रखा हुआ है। मैं कहती तो हूँ हर बार कि मैं हाउस टूर की वीडियो बनाऊंगी लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती, पूरा घर पहले साफ करो फिर हाउस टूर की वीडियो बनाओ। थोड़ा सब्र से बनाएंगे इंशाल्लाह, अभी जो हाउस टूर हो रहा है चलो यही देख लें। जाहिद ने जो है ना ये डोई ली है, इसका साइज मेरे मुंह जितना है, इतनी बड़ी डोई है, देख में इसको यूज करेंगे। जाहिद को चीजें पकड़ाती जा रही हूँ, जाहिद वॉशरूम और किचन का सामान रखते जा रहे हैं। ये फ्रिज में ही रख दें और ये भी फ्रिज में जाएगा, ये भी फ्रिज में जाएंगे, केचप भी फ्रिज में, ये जूस भी फ्रिज में, ये योगर्ट भी, योगर्ट तो खुल गई सारी। अच्छा गाइज, अब हम ठंडी ठंडी कॉफ़ी बनाते हैं और इसमें मैं डाल रही हूँ दूध, थोड़ी सी बर्फ़ डाली है और अब हम इसको मज़ेदार ठंडी ठंडी कॉफ़ी बनाएंगे। अच्छा जी, गर्मी बढ़ गई और उर्वा का दिमाग जो है ना काम करना, फ्यूज सर्किट इसका शॉर्ट हो गया, दिमाग काम करना छोड़ गया, हर बात पे झगड़ रही है, रो रही है। इसको जूस देते हैं ताकि इसका दिमाग का जो है ना थोड़ा सर्किट ठंडा हो, हम भी जो है ना अपने दिमाग के सर्किट को ठंडा करने के लिए ठंडी ठंडी कॉफ़ी पीते हैं। अभी तो गर्म टाइम है, कुछ पकाने का भी दिल नहीं कर रहा, हमने नाश्ता ही काफ़ी लेट किया, तकरीबन सारी सच्ची बताऊँ तो 2 बजे नाश्ता किया, कल भी ऐसे ही 2 बजे नाश्ता किया था, तो ठंडी ठंडी कॉफ़ी पी के मज़ा आ रहा है। आदत हो गई है ना हमें अब कॉफ़ी पीने की, तो गर्म कॉफ़ी तो पी नहीं सकते, ठंडी ही पियेंगे। अब बैठ के जो है ना हम अपनी मूवी देखते हैं। मूवी कौन सी थी जाहिद, हम जो देख रहे थे? नाम नहीं पता, वेलिंग थी, वेलिंग। हाँ तो हम लोग एक मूवी देख रहे थे, उसका नाम है द वेलिंग, अभी स्टार्ट ही की थी, अभी पता नहीं आगे कैसी है, थोड़ी देखते हैं फिर मैं आपको बताऊंगी कैसी है। और अभी जो है ना 5 बज भी गए हैं और उर्वा वही लगी हुई है अपने, खेल रही है, इसने गंद मचाया हुआ पूरे घर में, यहाँ सुबह से सारा वो खेल रही थी सैंड से, वो सुम बैठी हुई है। क्या बनी हुई है ये, बुत बना हुआ छोटा सा, खुद से इसे फूके मारे नहीं जा रहे तो फिर पंखे के आगे खड़ी हो रही है, सारे बबल्स हमारे मुंह पे उड़ उड़ के आ रहे हैं। मैं भी कपड़े चेंज करके आई हूँ, गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, इस्त्री वाले कपड़े जितने पहनो ना और गर्मी लगती है, जब तक घर के कम्फर्टेबल कपड़े ना पहनो। अब इसी चीज़ में लगी रहेगी आइसक्रीम। ओके जुड़वा की आइसक्रीम आ गई है, चूज करो अपनी कौन सी लेनी है। ओके okay. अम्मा की ओके okay. ओके जी, ये है मेरी आइसक्रीम और ये है उर्वा की आइसक्रीम। उर्वा ने मम्मा को भी टेस्ट करवाई है और मम्मा की भी टेस्ट किया है। माशिस्सो ज़्यादा कौन सी माशिस्सा है, ये वाली, ये वाली? दूसरों की आइसक्रीम हमेशा अच्छी लगती है। हमारी मूवी जो है ना मॉन्स्टर वाली मूवी है, देख के डर लग रहा।
सारे गिलासों में, टेबल पे, नीचे कारपेट पे, ये बालों में। अब कल इसी तरह से स्कूल भेजेंगे इसको। जी उर्वा के कमरे की सफाई कर ली है, वैक्यूम भी मार लिया है, तो उर्वा का कमरा जो है ना बिल्कुल फाइनली साफ हो गया। हर चीज़ अपनी जगह पे आ गई है, बट नॉट फॉर लॉन्ग। सब कुछ फिर निकल के वापस बाहर आ जाना है। यहाँ पे जाहिद किचन में लगे हुए हैं, क्या बना रहे हैं जाहिद? कुछ खा भी रहे हैं? बोल नहीं सक रहे इसलिए। अच्छा जाहिद ट्यूना फिश बना रहे हैं, जो आज हम सुबह लेकर आए थे ना, ट्यूना के चावल बनाएंगे। ओके मेरी हालत जो है ना देखने वाली नहीं है, पसीने पानी हुई भी, और मैं इसलिए सर नहीं धो रही कि कल ऑफिस है, और ना फिर अभी सर धो ली तो सुबह तक फिर वैसे ही हो जाएगा, ऐसे लगेगा धोया ही नहीं है। तो जब ऑफिस जाना होगा ना फिर ही वॉश करूंगी बाल। क्या कह रहे हैं? मैं तो जेल लगा के जाऊंगा। हाँ जाहिद ने अपनी जेल ली है ना, तो जेल लगा के जाएंगे। पर्सनैलिटी बना के जाएंगे। और जो है ना यहाँ मेरी पर्सनैलिटी बनी हुई है, मासी बनी हुई है। किसी ने कल कमेंट किया हुआ था अपने यूट्यूब पे ना कि सिद्रा आप ही जो घर की आपकी वो लाइफ स्टाइल है ना उसकी भी वीडियो बना लें। तो मैंने सोचा कि क्या इस हालत में बनाऊँ, फिर मैंने कहा चलो शेयर करते हैं आपसे हमारी रूटीन गर्मियों की और इस नए घर की, इस घर की जिस घर का सारे बार बार कहते हैं होम टूर दें, आप ही होम टूर दें। कैसे होम टूर दूँ यार, ख़त्म ही नहीं होते काम। एक कमरे को एक दिन साफ करना, अगले हफ्ते तक वो कमरा वैसे ही हो जाता है, ऐसे लगता है कि पता नहीं यहाँ पे किस घुमसान की जंग हुई थी। तो बाल मैंने ऊपर जुड़ा बना लिया है और तेल लगा हुआ है, सही चंपत हालत हुई भी है। बहरहाल मुझे ये तसल्ली हो रही है फाइनली उर्वा का कमरा साफ हो के अलमारियाँ भी बिल्कुल साफ हो गई है ना, तो अब सुकून है, तसल्ली है। इस ये जन्नत जैसा महसूस हो रही है जगह। अभी मैं अपनी अलमारियां तो खोल भी नहीं सकती, अगर मैं जैसी अलमारियां खोलूंगी ना सारी चीज़ें नीचे आगे गिरेंगी। तो बहुत ही कचरा और बहुत ही गंद है और समझ ही नहीं आता, तीन लोगों का सामान है लेकिन ऐसे लगता है कि पता नहीं 30 लोगों का हो। और पूरे घर में जो है सिर्फ एक बेडरूम हमारा साफ है जो कल किया था मैंने, तो आज बस बेडशीट समेटी है। अच्छा जी अंडे जो हम लेकर आए थे वो सारे जो है ना मैंने इसमें लगा दिए हैं, और पीछे से उर्वा का शोर आ रहा है, अंडे भर गए हमारे। मैंने फ्रिज भी साफ किया था, सारी अलमारियों में जूतियाँ वापस रख रही हूँ। तो ये जी हमारा यहाँ पे एंट्रेंस पे शूज़ वाला खाना, सर्दियों के जूते, कुछ और मौसम के जूते, कुछ और मौसम के जूते, बस मिक्स पड़े हुए सारे, चप्पलें बूट्स। दोबारा से वो मारना है वैक्यूम, यहाँ पे तो लाउंज में तो मारा ही नहीं था। और अभी गैलरी जो है ना बिल्लियों ने इतना गंद मचाया हुआ होता है, वहाँ पे भी सारा ना वैक्यूम मारना है। शायद ने यहाँ पे जो है ना मछली बना ली है, और इसमें प्याज फ्राई करके मछली डाली है, गाजर डाली है, और क्या डाला है? ओके तो और क्या डलेगा इसमें? मिर्चे डालूंगा और इसके अलावा इसके अंदर अंडे डालूंगा, उसके बाद खत्म बस। वाह, तो ये जी सिंपल सी रेसिपी है और प्रोटीन की बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट इससे पूरी होती है। आप इसको चावलों के साथ भी खाएं, कबाब बना के, सैंडविच बना के खाएं, बर्गर बना के खाएं, बिल्कुल बस सोया सॉस, काली मिर्च, नमक, मिर्चें, प्याज, अंडे और क्या है भूल गई मैं। बहरहाल मैं बाहर सफाई करने जा रही हूँ, यहाँ पे मैं सफाई अभी कर रही हूँ। आ जाओ वैक्यूम मार लिया। और ये बैठे हैं हमारे बिल्ले छोटे छोटे, तो खाने का पार्ट ये है, इनको ट्रीट देते हैं। बेचारों को इतना तरस आता है कि ये सारा दिन एक को खिला लूँ फिर दूसरे को। ये दोनों इंतहा के बेसब्र हैं, तो मैंने इन दोनों को एक एक करके ना खोल दिया पैकेट पूरा। इसने खा लिया, अब उसके कटोरे में वो मारेगा। और ये देखो ये कौन आ गया। चलो जी सोमने जो है अपनी ट्रीट खा ली है, अब इसी से खेलती रहेगी रैपर से, जैसे कि ये दोनों खेल रहे हैं। ओके गाइस फाइनली जो है ना सफाई हो गई है लाउंज की भी, अभी किचन रहता है, लेकिन किचन को जो है ना अब नहीं साफ करना, बस आज जो है ना यही था। तो ये है जी लिविंग रूम, जिसको मैंने बस इस काबिल बना दिया कि हाँ यहाँ पे बैठ सकते हैं इंसान। और सारे उर्वा के टॉयज ना एक साइड पे कर दें, क्योंकि मेरी जरूरत नहीं है मैं इसको अंदर रखूँ। तो अब हम बस खाना वाना खाते हैं, डिनर की तैयारी जाहिद कर रहे हैं। तो जाहिद ने जो है ना राइस भी बॉईल किए हैं, और नीचे जो फिश थी वो कम्प्लीट कर ली, उसमें मिक्स कर रहे हैं। और ये सैलड के तौर पर जाहिद ने ना ब्रोकली एंड कैरेट को क्यूब करके कट किया। भूख लग रही है, आज डिनर काफ़ी लेट हो गया, आइसक्रीम खाई थी ना, भूख नहीं लग रही थी, लेकिन अब सडनली बहुत भूख लग रही है। मूवी हम लोगों ने देखी है, उसमें हमारे रिव्यूज़ जो है ना बहुत ही न्यूट्रल है। जाहिद को बहुत अच्छी लगी और मुझे बहुत बुरी लगी, मुझे बेकार लगी एक्चुअली। मुझे लगा कि उसमें कोई सस्पेंस, कोई मिस्ट्री थी ही नहीं, और जाहिद कह रहे उसमें मिस्ट्री नहीं और सस्पेंस था, बिल्कुल बच्चों वाली लग रही थी। हर कोई बस मार रहा, कोई सारा ना पैर है ना कोई रीज़न है। तो एंडिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन शुरू था सारा ना 2.5 घंटे की मूवी, बेकार टाइम गुजारा। और मैं जाहिद से कह रही हूँ कोई और अच्छी मूवी देखते हैं, नहीं तो मज़े की नहीं थी, मज़ा नहीं आया। एक वो होती है थ्रिलर, एक्शन, मिस्ट्री, साइको वाली, जिसमें कुछ वाकई में समझ नहीं आता यार हो क्या रहा है इसमें, और मतलब कौन इसका एक्चुअल कल्प्रिट है। लेकिन मुझे शुरू में ही पता, उन्होंने दिखा दिया था एक्चुअली वो जिन्ना, वो शुरू में ही दिखा दिया था, तो बिल्कुल भी कोई मिस्ट्री रही नहीं है। आपके ख्याल में मिस्ट्री कहाँ थी? मिस्ट्री यही थी कि वो
जापानी बंदे को कह तो रहते लेकिन उसके फिर उनके पास सबूत नहीं थे। जाहिद कह रहे हैं इट वॉज इंगेजिंग मूवी, ट्विस्ट आ रहे थे, मुझे ट्विस्ट बिल्कुल भी कोई नहीं लगा, अभी बिल्कुल बेकार लगी है मुझे, इतनी अच्छी लगी। बहरहाल जो भी था मूवी बेकार थे, किसी ने ढाई घंटे ज़ाया करने तो द वेलिंग मूवी देख ले। हमने और भी दो मूवीज देखी थी और सारी वो साइकोपैथ और किलर्स वाली थी, तो आई डोंट थिंक आप लोग देखेंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो मैंने थोड़ा शॉवर लिया, उर्वा को भी शॉवर करा के बिठाया, ये बैठी अपने कार्टून देख रही है और जाहिद अपने पूरे वीक का जो है ना लंच बॉक्स बना के रख रहे हैं। ये इस तरह 250 पे बॉक्सेस मिलते हैं। वैसे तो नॉर्मली जाहिद कभी यहाँ चिकन रखते हैं लेकिन अभी क्योंकि चावल ही है तो जाहिद ने चावल और साथ में ये सैलेड बनाया। और जाहिद के कानों में जो है ना हेडफोन लगे हुए हैं इसलिए जाहिद को मेरा कोई समझ नहीं आ रही मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि जाहिद ने लैपटॉप के साथ ना इसे लिंक किया हुआ है, तो जाहिद अपनी फाइट ही देखते रहते हैं। अभी सुन रहे होंगे क्योंकि फाइट रुकी हुई है, किंग के साथ साथ जो है ना जाहिद अपनी फाइट देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं ज़्यादातर। जाहिद के ऑफिस में ना अभी लंच है, ऑफर नहीं होता है ना तो हलाल भी नहीं होता, मुश्किल होता है, वहाँ पे आसपास में भी कैसे रेस्टोरेंट्स नहीं है और जाहिद की ज़रा टफ टाइमिंग है तो वो लंच आवर्स में कहीं जा भी नहीं सकते। तो बस दुआ कीजिएगा आप लोग जाहिद की कि अल्लाह कोई बेहतरी करे, जाहिद को भी और अच्छी जॉब मिले, वेल मुश्किल है। तो अब हम लोग अपना डिनर करते हैं और ये हमारा डिनर जो है ना ये जाहिद ने वही सेम बनाया जो अपने लिए लंच बनाया ना, तो ये हम इंशाल्लाह ये खाएंगे। बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है और भूख भी बहुत लग रही है। गाइस उर्वा जो है ना ये वाले कार्टून देख रही है, इसमें जो है ना डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं और पेपर आर्ट होता है, उर्वा को अच्छा लगता है, एक बैठी भी कैसे है। और ये हमारा डिनर है, चले अपना डिनर ट्राई करते हैं। बहुत ही मज़े का टेस्ट है फिश वाला, और इसमें ना अचार भी जाहिद ने डाला, जो कोई अचार होता है ना किमची, तो उसका भी टेस्ट है, बहुत मज़े का लग रहा है। और वह कैरेट खा रही है भाई, वेरी गुड। और ये भी खाया, ये देखो जी उर्वा इतनी अच्छी बच्ची है, खाना खाती है, वेरी गुड। मैं दिखाना चाह रही है कि मैं गाजर खा रही हूँ, तो की उर्वा ने अपना डिनर पूरा कर लिया तो इसको जो है ना गिफ्ट में स्नैक मिला, खा जा खुशी का लेवल। किसू करके गई है सरप्राइज, और मुझे भी चिप्स देके गई है। इसके डैडी बाथरूम में गए हैं, बाथरूम में भी जाके अप्पा को चिप्स देगी। दिल हो तो ऐसा हो, इसका दिल करता है मैं सबको अपनी चीज खिलाऊं। इसके डैडी ने दरवाजा नहीं खोला तो इसे लाइट ऑफ कर दिया बाहर से। बहुत तेज है। और हम यहाँ साइज की डिस्कवरीज देख रहे हैं, कुछ ट्रैफिक कैसे तेज बनाई जा सकती है। डिनर हम लोगों ने कर लिया, अब मैंने तरबूज काटा क्योंकि चाय पीने का तो दिल नहीं कर रहा, ठंडा ठंडा तरबूज खाने का दिल कर रहा है, तो ये थोड़ा सा काटा, बहुत ही मीठा है। चूहा चूरा था हमारा। अच्छा जी यहाँ पे कुछ बर्तन है जो मैं धोऊंगी, अभी जाहिद ने तो कुछ धोए थे, कुछ मैं बाकी जहाँ पे जो बच गए वो धोऊंगी। वैसे हमारे पास ये बर्तनों वाला वॉशर भी है लेकिन मुझे जल्दी होती है कि मैं बस ऐसे ही बर्तन खड़े खड़े धो लूँ, तो मैं जल्दी से धो के फारिग करूँगी, फिर सोने का टाइम हो जाएगा, थक गए हैं बहुत ज़्यादा आज। तो गाइस ये एप्पल है जो मैं लेकर आई थी, लोटे सुपर से काट के और छील के दिखाती हूँ कैसा है। ये एप्पल नहीं है सॉरी, मैंगो है। मैंने एक ट्राई किया, बिल्कुल कोई जायका नहीं है, फीका का फीका है, हालांकि देखने में मैंगो लग रहा है बिल्कुल वैसा, बिल्कुल जायका नहीं है, मीठा तो है ही नहीं ना, लग रहा है शुगर फ्री बनाया हो। हम खाने के बाद तो मेरी शुगर ही लो हो गई है उल्टा, हाँ मुझे कुछ मीठा खाना पड़ेगा। मज़े के नहीं है यार, ये मैं लिखा इसलिए रही हूँ कि ताकि अगर आप कोरिया में रहते हैं तो आप ये मैंगोज ना लें। जाहिद ने सारे लंच बॉक्सेज ने फ्रिज में कर दिए हैं, उर्वा के लिए रात के लिए दूध है, इसकी फीडर ख़राब हो गई तो हम इसको कहते हैं चलो स्ट्रॉ वाली बोतल से ही पी लें। और बर्तन धोने के लिए मैं सबसे पहले जो ना सारे कप्स धो के रख देती हूँ, फिर जो सिमिलर बर्तन होते हैं ना जैसे प्लेटें और बाउली एक साथ धोती हूँ, और एट दी एंड जो है ना सारे चमचे कांटे वगैरह धो के बॉक्सेस धो लेती हूँ, तो इस तरह जो है ना ज़रा जल्दी से बर्तन धुल जाते हैं। ओके गाइस तो बर्तन धो के फारिग हो गई हूँ मैं, ये है जी सारा किचन फाइनल, रात को कम्प्लीट हो गया धुल धुला के सब कुछ। ये बर्तन अभी गीले हैं तो इनको मैं ज़रा खुश करके एंड पर रखूँगी, लाइट ऑफ कर देते हैं क्योंकि उर्वा के अब सोने का टाइम हो गया, और मैं अपने खाऊंगी विटामिन्स रात को, तो सुबह खाती हूँ ना तो नौजिया सा होता है, और मैं रात को खाना शुरू हो गई हूँ। यहाँ पे मैं करूँगी अल्लाह हाफिज़, आई होप कि आपने हमारे साथ हमारा ये दिन सारा इन्जॉय किया होगा और व्लॉग भी अच्छा इन्जॉय किया होगा। मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।